रेस्क्यू लगातार जारी है और तपोवन में जो स्थिति है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितना नीचे हमें जाना पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब ये ग्लेशियर का हिस्सा नीचे आया होगा और अब जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है कितना नीचे हमें जाना पड़ रहा है। ये जिस तरीके से ऊपर से नीचे आने में लगभग जितना वक्त लग रहा है रेस्क्यू में, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है नीचे टनल की तरफ जाता है और जो प्रोजेक्ट है इसके आगे चल रहा था तपोवन में, ये वो जगह है जहाँ पर इस तबाही के मंजर को सबने देखा, क्योंकि ये तस्वीर पहले देखने को नहीं मिली। इनको ये जो काम कर रहे थे, जिनका साफ कहना है कि कोई घास काटने गया था तो वो उसमें बह गया, कोई बकरियां चरा रहा था तो बकरियां बह गई, लगभग 180 से ज़्यादा बकरियां बताया जा रहे हैं कि यहाँ बह के निकल गई। और कई ऐसे लोग थे जो लापता हैं और जिस तरीके से टनल का काम चल रहा है, ये पूरी तरीके से जितना वक्त हमें नीचे आने में लग रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि रेस्क्यू करने में भी कितना मुश्किलात हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्रेन बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में वक्त लगाती है, मलबा नदी में निकाला जा रहा है और लगातार प्रशासन अधिकारी तमाम लोग यहाँ इसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, यानी बेहद मुश्किल तरीके से इस रेस्क्यू को किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये रेस्क्यू अभी लंबा चलेगा। और जिस तरीके की तस्वीर है, ये तबाही के बाद की वो तस्वीर है जहां अभी भी लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाशन, 24 तपोवन।